बच्चों, क्या हालचाल? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 5 मिनट की एक सीरीज लेके आए हैं। इस 5 मिनट की सीरीज में हम कोई भी बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ऐसे किसी एक टॉपिक को हम 5 मिनट में केवल सॉल्व करा के आपको देंगे, जिससे कि आपका काफी टाइम बचेगा और सेलेक्टेड टॉपिक आपके पास होंगे। तो आज की क्लास में ही हम एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 या 5 नंबर का पूछा जा सकता है। अनुगमन वेग के लिए सूत्र का निगमन, VD बराबर I अपॉन I, ये बोर्ड एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल लगभग पूछा जाता है, और इसे मात्र हम 5 मिनट में सॉल्व करेंगे, और वो भी ऐसे जबरदस्त तरीके से कि आप एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं, और इसके सूत्र के लिए हमें निगमन करना है, IBD बराबर I अपॉन I। तो इसके लिए मैंने एक चालक लिया है, चालक की लंबाई कितनी ली है L, और चालक का क्षेत्रफल कितना लिया है A। इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने कितनी ली है N, लेकिन इस बात पर बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा कि N हमने जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ली है वो एकांक आयतन में ली है। इसमें लिए एकांक आयतन, केवल एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हम क्या लेके चले हैं, एन लेके चले हैं। केवल 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लेके चले हैं, एन लेके चले हैं। इसे आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस चालक को आपने बैटरी से जोड़ दिया है, बैटरी का यह धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। तो जैसे ही ये धन टर्मिनल इस चालक से जुड़ेगा, तो ये धन जो है वो इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करना चालू कर देंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर जिस औसत वेग से गति करेंगे, उस औसत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग, उसे ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, अब एक बात बताइए, हमें अनुगमन वेग का मान ज्ञात करना है। आपने वेग का आज तक क्या फॉर्मूला पढ़ा है, विस्थापन बट्टे समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो एक बात बताओ, यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना विस्थापन तय कर रहा, तो सर L, मान लो कितना टाइम तय ले रहा होगा यहां एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, तो T। जो चीज हम फिजिक्स में मानते हैं उसका हमें वैल्यू निकालना पड़ता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय मान के चले हैं टी, तो ये टी कहां से मिले। जैसे ही किसी चालक को आप बैटरी से जोड़ेंगे, तो इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, धारा। तो इस चालक में हम मान ले रहे हैं कितनी धारा बह रही है, आई। तो चालक में प्रवाहित धारा का फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, कुल आवेश, और वो कुल आवेश कितने समय में यहां तक प्रवाहित हो रहा है वो टाइम। तो हमें यहां टाइम का वैल्यू चाहिए, तो टी बराबर हो गया क्यू अपॉन आई। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल के चले, इसे हम इक्वेशन क्या डाल देंगे, सेकंड। अब हमें चाहिए कुल आवेश, क्या चाहिए, चालक का कुल आवेश। तो चालक का कुल आवेश निकालने के लिए आज तक तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्यू बराबर एनी। ये क्यू बराबर एनी यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटा एन जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, चालक के कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं। तो क्यू बराबर तुम एनी लगा भी दोगे, तो वो केवल 1 मीटर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा निकलेगी, टोटल चालक में नहीं निकलेगी। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि आवेश का फॉर्मूला आप लगाओ, एन का मतलब कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई का मतलब क्या है, आवेश। अब आपको इस चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए। तो अब इधर आते हैं, 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन। कितनी है, एन। तो बेटा चालक का कुल आयतन कितना है, एल। भाई चालक का क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, तो क्षेत्रफल गुणा जो लंबाई होता है वो कुल आयतन होता है। अब 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन। टोटल आयतन कितना, एल। तो एल में कितनी होगी, एल एन, मल्टीपल कर दो, 1 मीटर क्यूब में एन है तो एल में कितनी होगी, एल एन। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई एल एन, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ई। तो कुल आवेश आ गया एल एन ई। यही आवेश का वैल्यू आप समीकरण किसमें रख दो में, तो यहां समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से टी बराबर क्यू अपॉन आई है, और क्यू का मान क्या है, एल एन ई बट्टे आई। और यही टी का मान आप उठा के और किस में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में। और जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, तो वीडी बराबर एल अपॉन टी है, तो वीडी बराबर एल अपॉन टी, टी का मान क्या है, ए एल एन ई बट्टे आई, एल से एल कैंसिल, आई कहां पहुंच गया, ऊपर, तो वीडी बराबर आई अपॉन नाई। इसे आई बराबर नाई वीडी भी कह सकते हैं, इसे आई बराबर नाई वीडी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भाग में इधर किस में पहुंच जाएगा, मल्टीपल। मुझे लगता है ये 5 मिनट की सीरीज में आपको ये डेरिवेशन बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का पूछा जा सकता है, और बिल्कुल मैंने इसको क्लियर करा के आपको समझा दिया। ओके, अगले क्लास में एक और डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।